हम देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर क्या है, 60 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जब भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जब भी क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण यहाँ पर होता है, तो इसमें क्रॉस में क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में भी समकोण, क्या कर रहा है, भी समकोण, तो जो समकोण का है वो इसी एंगल पर ही बनेगा। तो यहाँ पर हम डी लिख दिए, तो ये यहाँ पर लिखे और सी यहाँ पर लिखे, ए और सी हम कहीं भी लिख सकते हैं, जो समकोण करे उसी को इस एंगल पर हमको लिखना है। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, ए बी बराबर क्या है आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हम पिछले वीडियो में हम जो आर दशमलव एक का जो सूत्र हम बताए थे, क्या बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंब कितना है, 7, लंब क्या है 7 और आधार क्या है 24 है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का क्या होगा 576, दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 625। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान, देखिए यार ए यहाँ पर है तो ए के लिए लंब आपका कितना हो गया 7 और आधार कितना हो गया 24 और कर्ण कितना निकला, कर्ण कितना निकला 25, तो यहाँ पर बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लॉन्ग बटा कर्ण, लॉन्ग बटा कर्ण, कॉस ए, कॉस ए का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। उसी प्रकार साइन सी बराबर हो जाएगा, सी के लिए आपका लॉन्ग हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो साइन सी के लिए लंब हो गया 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24/25, 24/25। उसी तरह कॉस सी का मान होगा, कॉस सी का मान, कॉस के लिए लंब है तो आधार हो जाएगा 7, तो 7/ कितना हो जाएगा 25। यही मेरा आंसर है।